ये भी अलग अखाड़े से ही है जब ये बहरूपिया नहीं है। इसमें महेंद्र सिंह व्यवस्था अंश पड़ा हुआ है इस लड़के में, तो ये सभ्यता में ही बात करे। वो लिखने वाले सभ्यतादार थे और कह रहा था क्या कुत्ता, अब कहते हर नंबर पे बहुत बुरी औकात है, दिखा दिखा के जावे वो भाई, तो और नंगो है वो जी, अब कपड़ा उतारे गो जी, कुत्तों कह वे गो, अब तुम क्यों तो क्या कुत्तों को जवाब दे दू, पहले तो जूता को दो दे दू, तू सीधो कह वे गो, तेरी बात बता ली ना भाजी, मेरे कुत्ता के जवाब बता ली सुनियो, तुझे यार मुझे तो मलाल होता है, हे भगवान तुझ जैसे निकम्मे आदमी को भी बोलने वाला बना दिया। बिल्कुल बेलिहाज कंपनी है पूरी की पूरी, कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, केवल हमारा बच्चा कह रहा था अभी अभी, ये तो फेविकोल से चिपकाए गए हैं, कि रसिया जी एक मुकेश भैया के लिए मैं भी शायरी पढ़ दूं क्यों नहीं, अरे ये मौसम रंगीला हो रहा है तुम भी गाइए, तो वो लाला चालू भयो हमारो, कुआ के मेढक है कि टर्र टर्र करवे बिना तो मानेंगे ना, और इन्हें चौचे मुकेश भी बंद कर दो और कोई ना करे वो, और करूंगा मैं वो भयो के फेविकोल से चिपकाए गए, तेरी बात पर ताली नहीं बजी, अब मेरी बात अच्छी बात की ताली देख भीकम, मेरा दिल तेरी हर रात से अच्छा होगा, मेरा दिल तेरी हर रात से अच्छा होगा, और मेरा ये नगमा तेरी हर बात से अच्छा होगा, और ताली देखना पीछे तक, और उठा कर देख लेना घूंघट तू अपनी डोली से, मेरा ये जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। भाई वाह, पीछे तक कर रहा हूं, वाह वाह वाह, एकम हम बहुत, और कह रहा था कि इस पे दो ही कुर्ताएं, अब एक चीज बता, तेरा इतना पूरा जीवन होगा उतने दिन मुझे गाते गाते हो गए, तेरी उम्र होगी 32-33 साल की, मुझे 30 साल तो गाते हुए हो गए, कम से कम 90 कुर्ता बदलवा दे, चल मैं मानता हूं कि मुंह पे दो कुर्ता है, मैं मानती तेरी बात है, चूंकि बोले में बारो है बहरू भी आए ना, चल मैं तीसरा कुर्ता तो मुझे मिल जाएगा ना, कोई रिश्तेदारी करवा दियो तो जैसे दे ही देंगे वो कपड़ा, तो भाई मेरे हमसे मत टकरा, हम इतनी खोचड़ी कर देंगे कि बचाने वाला पैदा नहीं होगा। अब आइए एक गीत गाया, तुमसे कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, गीत गाया भैया ने, अरे रंग बसंती साल के जीवन में, क्यों भाई अच्छे, ये घराना कुछ और मामलों का है बेटा, जिसका गुरु चमत्कार होगा उसका चेला भी चमत्कार होगा। मेरे आदरणीय गुरु विजेंद्र शर्मा, गुरु किशन शर्मा, जिसका गुरु चमत्कार होगा और उसका चेला भी ये चमत्कार होगा, और जिसका गुरु पॉकेट मार होगा तो चेला भी पॉकेट मार ही होगा। इधर को देख बे, डारा 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 डारा
होगा। अब देखो वह छोरा पकड़ लाए, वो छोरा आप में तो जान हतना कर लावेगी, वो तो डाड़ी में नहीं रह गई है वैसे डाड़ी, जैसे बरुआ होता ना बीन बजा के आगे समझ में। वह छोरा है ऐसा गिल्ला मारो कलंकी की तरह, को छोरा गिल्ला रहा वो तो ऐसे लगा तो है एक काम में गयो में, जैसे ऐसे गिल्ला रहा होगा छोरा मैं बहुत जोर से गा रहा हूँ, ये तो भी तो क्या मथुरा माऊ रार बाटी पड़ते हैं तो मैं बहुत जोर से गीत गा रहा हूँ, तो ये कम्मा उठ के आई के लल्लू तू इतनी जोर से मुकेश काई गिल्ला रहा, देख मोए तो कछु है गो कल ऐसी तू गिल्ला रहा पाए ऐसी गिल्ला गिल्ला के मेरी पहलो न भैंसिया को पट्टा मरे गो मोए जे मला लो तू मत मर जाए बेटा तू मत मर जाए क्या के चक्कर में बाबा जी के चक्कर में तू मत मर जाए। देख ऐसे मजा आता है बदतमीजी जी से मजा नहीं आता। अरे रंग पसंदी अंग पसंदी ढंग पसंदी छा गया ऐसे दोनों का बंदे। अरे अंग पसंदी छा गया मस्ताना मौसम जैसों का पेट का पालन करते हैं तो जैसे भिखारी जाने कितने आते हैं खचो लाला के मील पे हाथ रस में। हम तो जैसों के पेट भरने वाले राग नहीं सुन रहा है और तुम्हें क्यों तो लेकर जवाब दे दू भैया बोते कुत्ता कह रो कुत्ता को जवाब और सही दूंगा तू उल्टा करके बोलेगा मैं सही सही पूछूंगा तुम्हें। बासोड़े के दिन मैंने छोड़ा और वो बार बार समझ आई है और देख ताली देगी भी कम पीछे तक बार बार समझ आई है और जाई कुत्ता को पूज बे तेरी अम्मा आइए। गलत तो नाम करो बाबा तरीका दे दूंगो जवाब लेख से तेरी तरह नहीं मुकेश सुगुरु का चेला है तरीका से घायल करेगा तुझे और भाषा शैली में देख तुझसे असभ्यता से बात नहीं करूंगा और फिर मैं तू तड़ा कर पर बोल रहा हूं तो मैं तुझसे बड़ा हूं इस वजह से बोल रहा हूं। अब तू जन कहा अपने पजम्मा में देने करो जा रो चार पांच लपकने की बात हमें आएगी तो बात अपने बात है और खराब कर बैठो लो है और तू ऐसा ही बहरूपिया खाने वाला रहेगा मुकेश की छवि पर तू जन्म जिंदगी में नहीं पहुंचेगा। सुन पासोड़े के दिन छोरा मैंने बार बार समझ आई है और फिर बोलेंगे ना कि ताली बजा के और पासोड़े के दिन तेरी अम्मा जब तोय पूजबे अब सबने की नीचे को नान नभेगेंगे सबने की देख। एक होती है नाम की राधा एक होती है नाम की राधा एक होती है श्याम की राधा एक गंगा राम की राधा ये गंगा राम की कौन सी राधा ही शबाई ये गंगा राम की राधा कौन सी तुम्हारे गांव में आते भैया कोई। और देखो मैंने गीत गाया था कि शंकर भगवान पे ही नारियां चढ़ रही हैं बन काली चढ़ गई है शंकर पे काली चढ़ गई है और गंगा मैया बन साली चढ़ गई है शंकर पे साली चढ़ गई है और सती जी घरवाली चढ़ गई है शंकर पे। तो मैंने तीन गाई थी नारियां शंकर पे चढ़ी थी आगे शंकर पे चढ़ा के लाते तो का कह रहे के साल ग्राम पे कंकर पत्थर पे साल ग्राम पे डाली चढ़ गई डाली नहीं चढ़ती है तुलसा दल चढ़ता है। तुम गलत बोल रहे हो अगर सही हो तो ताली हाँ यही तो चंडल खोपड़ी है तू पागल हो चुका है जो लिखने वाले तुझे लिख के दे रहे उल्टा सीधा भैया फेल जा रहा है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ साहब डाली ना चढ़ती डाली बोलता है किसे बुद्धि विवेक नहीं है मैं पहले ही कह रहा हूँ
ये आधा पागल इंसान है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। डाली होती है किसी पेड़ से, डाली को काट देना और एक दल होता है एक पत्ता लेना। सही हो तो एक बार जोरदार तालियां, बिल्कुल गलत तू गलत, तेरी कहानी गलत और तेरा ये पूरा मंडल गलत का गलत। ये गलती से मिस्टेक हो गया। देख जी क्या कह रहे हैं, पुरस्कार दे रहे बार बार और कर रहे हैं, मजा डाक दो। एक बार नाम की जोरदार तालियां हो जाए भैया के। ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया ने, और ये 50 रुपए का पुरस्कार एलानी उर्फ रोलकार राया केशवपुर वालों की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। और करियो बदतमीजी इन लपकन की बात में कि मुकेश को कभी नहीं पा सकता है। सुनवे और देखो, होती गंगा राम की राधा सुबह शाम की राधा। अब जो बता कि सुबह शाम की मुंशी राधा होते भैया, कोई आते सुबह शाम की राधा या के घर में उन्हें बुलवा नहीं हूं सवेरे। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। और देखो एक पाम की राधा, ये कौन सी है पाम की राधा शिवाई। अब देखने का डर है तेरे काल लिख के दायो बोरे चोरी पकड़ी गई। पूरा का पूरा मंडल बदतमीजों का। अरे यही पता नहीं है चाचा, पाम की राधा छटमी राधा गाई जाई हो। और नहीं तो वो तो भोले में भी शर्म लग रही है, माता बहना बैठी है। नहीं तो हाय इनके यहाँ लिस्ट है छक्कन की क्या यार। नहीं छक्कन में नाम लिखाए जाई हो, इनके कॉलेज में वो लिस्ट है छक्कों के नाम वाली। अब सुनिए भैया, एक थी भ्रसवान की राधा, समझना मेरी जवाब को भैया। भ्रसवान दुलारी सही है क्या गलत है, हाथ उठा के बताओ भैया पीछे तक। कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। एक होती भ्रसवान की राधा श्री कृष्ण की जो आराधा, आराधना करने वाली आराधा। भैया जी बेसुमा वाले हो सुनिए। एक थी प्रसवान की राधा श्री कृष्ण की जो आराधा, नाम जिसको है अनुराधा। ये 50 रुपए का पुरस्कार जवाब पर खुश होकर के दिए हैं। अरे नाम जिसका है अनुराधा। अब तुम कह रहे छक्कन में नाम लिखा जाइयो, मैं गलत बात नहीं करूंगा। वो अनुराधा तुमने छठवीं पूछी, मैं सातवीं बता रहा हूँ आठवीं बता रहा हूँ। एक ब्रसवान की राधा छठवीं, एक श्री कृष्ण की जो आरा। तरीका होते जान पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। अरे श्री कृष्ण की जो आराधा वो अनुराधा बन गई राधा। अब तू नौमी राधा गाय जाइयो। और अगर जवाब सही लगे तो पीछे तक सभी की ताली होनी चाहिए। अरे अब तू नौमी राधा गाय जाइयो, नहीं अपनी तू नाक कटाए जाइयो। और ये 111 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से जवाब पर खुश होकर के मिले। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक देर थूतड़े से पर रही है तालियां। तू बोलियो तू कितना बोलोगे बदतमीजी। अब के नंबर पे जो नगमो है बेगो, पर मेरा तुमते निवेदन होए भाई बात होए कब पालियो या कंजरा पे भाई। कोई ना दादा पुरस्कार तो मैं अपने इनाम में तो दूंगा 100 रुपया का पुरस्कार। और ये यूट्यूब तुम कोई भी नहीं बोलेगा, केवल मुकेश बोलेगा आज की रात। आज तो जुटली रात मां, एक मई से सोलो चालू है रो है ये गायन हो जाए।
धरती पर है आसमान। कहियो और ना कहो जाए तो तू अपनी अम्मा हुआ बोलियो मंच पे भाई। टीचर गाने वाला है या खोपड़ी पे बांध लो जैसे मरघटन में चांद डालो है। तो गाय गुना आग लगा मेरे तो गाय बापू जनो कर तो गाय ये नाच जाए तेरा तू कौन कलाकार बनाए तो जन। अब देखिए अब आप लोगों की इजाजत हो जाए तो कई धुन में ना एक और दे दूं मैं क्या और लेख दे दूंगा तेरी तरह नहीं। राम लखन का सुंदर जोड़ा एक ढोलक बजा रहा है बाजा बजा रहा है और गा भी रहा है सुन। ये राम लखन का सुंदर जोड़ा और रण से कभी न मुकड़ा मोड़ा और शिव के धनुष को हमने तोड़ा। अरे सभा जुरी में वीर जुरी में और हम दोनों भाई छा गए। और कह दू भैया पीछे मारे और देख ताली कैसे बजेंगी। तू तो बार बार कह रहे हो जाके मुंह पे भूकर काउनी ने कौन ताली बजाएंगे वो सुनियो। अरे हम सभा जुरी में वीर जुरी में दोनों भाई छा गए। और हे भीख रसिया अरे हम दोनों भाई छा गए रे तेरे खास जमाई खराब हो गया। तो 30 साल का एक्सपीरियंस है तुझे खत्म कर दूंगा गाने लायक नहीं छोड़ूंगा। सुन भाई हो उठाते रहेंगे। देख सुरीला गायन बजाना ये होता है भाई साहब आप समझ रहे हो क्या गाना बजाना होता क्या है। हम तेरे नाच नखरे उठाते रहेंगे और भीकम भाई हम सुनिए प्रेम का गाना। तुम रूठोगे दिलवर तो हम मनाते रहेंगे अगर अपनी आदत से तुम नाबाज आए। और बोलना मेरे संग में नाबाज आए तो उंगली न पे तुमको नचाते। गाना होता है अंधेरे में पंच कनेटा वैसी ना बनो बेटा जिसका हल्की है। ये अंधों में पंच कनेटा वैसे ही नहीं बनाया कुछ मेहनत की है। ऐसे चिलकटा जिन्हें कितने आए और कितने चले गए चिलकटा। और आज तू जिसका सहारा ले रहा है ये भी इसी के नीचे निकल के निकला था किसी का जो सहारा ले रहा है तू कहना है। डारा 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 क्या बात है डमरू। जवाब दिया शालीनता के तौर पे। अब एक बात और गाई थी भैया ने जवाब सुनना। अरे अगर न मिलते इस जीवन में Oh,
किया लेंगे जन्म दोबारा, ये जन्म जन्म का साथ है। ठीक है भाई, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक भाई निष्का भाई के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें भैया का। जय 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 जय। ये वो क्षेत्र है कलाकार का सम्मान होता है भाई, सौरभ भाई, ये वो क्षेत्र है कलाकारों का सम्मान मिलता है। सुनिए एक, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अतरौली से चल करके पधारे हैं डॉक्टर मनीष कुमार जी हमारे बड़े भाई, ये दोनों कलाकारों को प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आपके इस काम में यही आसपास की भीड़ है नहीं, मुझ पे दिन में कम से कम 100-150 फोन आए थे कि ये नगला गढ़ है कहां पर शर्मा जी तुम्हारा, जहां पर कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। वास्तविक बहुत दूर से बता रहे हैं, ये भैया बैठे हैं बहुत बहुत दूर से पब्लिक आई है सुनने के लिए। और जब किसी नामी कलाकार का गायन होता है तो सुनने के लिए भीड़ आती है। हाँ, कहना है बब्बू चौधरी जी हसनपुर वालों की तरफ से ये 500 रुपए का अमूल्य पुरस्कार मुझे मिला है। एक बार जोरदार तालियां बजाए भैया के नाम की। ये बदतमीजी का पर्चा नहीं है बेटा, ये बूचड़ खाना नहीं है। सुनिए, अरे है गई है पहचान आज ये नस्ली किसन नहीं है, रूप बदल के डोले बहरूपिया ये असली। अब मुझसे कह रहा है ये पागल हो गया बेटा, हल्की पागल मुझसे कह रहा है कि किशन गुरु को कोई किशन शर्मा नहीं पहचानता है, तेरा गाना बजाना भी नहीं हुआ गा हुआ होगा चालू, जब से मेरे किशन गुरु ने 20 साल तो रसियाबाजी गाई है, गाया है 20 साल और गुरु विजेंद्र शर्मा जी के साथ में 40 साल इन्होंने लेखनी की, गुरु विजेंद्र शर्मा का भी नाम इन्होंने करवाया और आज क्षेत्र के बच्चे का भी नाम जितना चल रहा है गाने बाजी में तो किसी गैर के द्वारा नहीं है, मेरे किशन गुरुजी की कलम के द्वारा नाम हुआ है किसी गैर। जय हो गुरुदेव। और चलो मैं मानता हूँ मुझे मुकेश कोई नहीं जानता है, अरे मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुझे मुकेश के नाम से दुनिया नहीं जानती है, मेरे गुरु के नाम से दुनिया जानती है, तो मुझे अपने ऊपर फख्र है। जय जय। तुझे तो बहरूपिया के नाम से, मैं राजस्थान में गाने के लिए गया था तुझसे कह रहे थे मुकेश शर्मा जी ये भीकम रसिया फसिया का चुना जी पूरा भीकम हुआ है, कहते हैं कहना है तो ये मालूम हो कहते हैं ना। हाँ, अब डबरू सी नारे हला रहा हूँ, हकीकत कहलवा लूंगा भीकम भाई में। हाँ, अरे रूप बदले करे डोले बहरूपिया ये असली किशन नहीं है, ये असली किशन नहीं है। अब मेरे भैया एक सवैया की फरमाश कह के गए तो एक बोल दूं भैया मैं, याने कम से कम 20 सवैया गाए, एक सवैया गाऊंगा मैं अपनी तरफ से भैया। रावड़ की बहनो सुपड़ खां, ये गायबा बजा दो सीके, ओए सीके ना का ना का। अच्छा बेटा तू हमारे आटे बारे न को ना गया शिकायत कर यार। रावड़ की बहना सुपड़ खां जा पंचवटी पे हंस गई है, और देखो तुम ताली बजा बजा के बोलोगे मेरे संग में, पंचवटी पे हंस गई है गुरु। अरे वो कहने लगी अजा लक्ष्मण देख तेरी सूरत मन में हंस गई है, ओए तुम देख ले कहते देख। अरे वो कहने लगी अजा लक्ष्मण देख तेरी सूरत मन में बस गई है, पाने ऐसो रूप श्रृंगार कियो जैसे चीन में घोड़ी कस गई है, और देख फिर ताली देखियो चीन में घोड़ी कस गई है, और आनंद आ जाए तो पीछे तक ताली
जीन में खोड़ी कस गई है, ये नाक कटाए के जावेगी नथिया गुलमुंडन में। भैया आनंद आ रहा होगा ना, भैया आ रहा तेरी तरह नहीं, नंबर को गड्ढा में गिर गया अपने नंबर को। अरे लड़ने को मैंने पहले ही बोल दिया, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे कि मेरा लाख टका है, अंजाम भुगतना पड़ता है जो उल्टी सीधी बात करते हैं लोग। लड़ने को तैयार कमर यहाँ, अरे कसली किसन यही है, अरे कसली किसन यही है, अरे तो से गाल बजावे बेहतर, तो से गाल बजावे बेहतर, फसली किसन यही है भाई, फसली किसन यही है। और ये ही बुरी हालत क्यों हो रही है बदतमीज के सामने में। अब ये कह रहा था कि तुम्हारो आटो हमारे गुरु खिचो आटे वाले के सम्मान में, तेरे गुरु और मेरे गुरु में कोई अंतर नहीं है। मैंने तेरे गुरु बैरक वाले थे आदरणीय गुरु बीदा बाबू जी, मैंने उनके सम्मान में कोई शब्द नहीं कहा। तू मेरे गुरु के बारे में कह रहा है कि आटो बिखरो बिखरो डोले को दे रो, तो मैं दो लाइन कह दूं भैया, मेरे आटे को देख के तू मन ही मन में, मेरे आटे को देख के तुम मन ही मन में जर जाएंगे, मन ही मन में जर जाएंगे। और ताली देख कर आटो हमारो बिखर गयो तो जैसे कुत्ते ही भूखे मर जाएंगे। अरे लड़ने को तैयार कमर या किसन यही है, अरे तो से गाल बजावे बेहतर, फसली किसन यही है भाई, फसली किसन यही है, तो से गाल बजावे बेहतर, फसली किसन यही है, ये फसली किसन यही है। और ये राव जी महाराज की जय। और ये फिर से 500 रुपए का पुरस्कार श्री कालका माँ, दिल्ली की महारानी कालका माँ, ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया देते हैं हमारे लिए पुरस्कार में। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करेंगे। बोले काली मैया की जय। और भैया मेरा आपसे निवेदन है, अगर ये बक बक करे तो मैं मेरी कसम, पहले मैंने कसम भी नहीं खिलाई तो मैं मेरी कसम, ये ज्यादा बक बक करे ना, ज्यादा अपनी औकात से बाहर हो मैं तो कहीं थूतड़िया पकड़ के न्यूकियों के मुकेश जो गाना बार बार गा रहा उसे गा है। यहाँ का फिर बैंगन बेची पे आयो, या फ्री के दामन पकड़ पे आयो, या नंग पनो कर पे आयो, अगर तेरी माँ बहने होती माटिया तू ऐसा ही गाना गा ले तो अब कर रहा हूँ वही बेटा, अभी बदतमीजों से पाला पड़ा होगा तेरा, अच्छे गाने वालों से पाला नहीं पड़ा होगा। एक गीत आया भैया, सुने गीत को, आपका मनोरंजन किया, एक बढ़िया गीत आप सुनेंगे मेरी तरफ से, जो पहले मैंने गाया था, क्या मेरे राम नहीं आए। अच्छी बात छोड़ करके जानी चाहिए कलाकारों को, ऐसी बात नहीं है। अब सुनिए,
मैं तो हूँ बस पतली उनकी। एक दिन गांधारी भगवान कन्हैया से कहने लगी, दादाजी सुनेंगे गीत को। सौ पुत्रों की लाश देख कर और होती मन में लाचार, और गांधारी कहने लगी तुम सुनिए कृष्ण मुरारे। कहने लगी ना गांधारी के, हे कन्हैया मेरे सौ पुत्र मारे गए, हर नारी को तुमने दीना, हर स्त्री को तुमने दीना प्रभु ममता का अधिकार है, ये जाने सब संसार है। और देखिए लटका फटका पर तुम तालियां बजा रहे हो, ये देखूंगा कि अच्छी बात पर कौन तालियां बजाएगा। जाने सब संसार है, अरे मैं सौ पुत्रों की माता होके, सौ पुत्रों की मैं माता होके, अरे अब किस पे लुटाऊं प्यार है मेरी ममता क्यों लाचार है। और आज मैं किस पे लुटाऊं प्यार है, और ये 50 रुपए का पुरस्कार भैया की तरफ से। बढ़िया बात पर कह रहे हैं कि बढ़िया बात लगी, सुनिए। ममता क्यों लाचार है, तड़पत छोड़ी तुमने देवकी, हे कन्हैया तड़पत छोड़ी तुमने देवकी, नंद भवन जब आए, ओ नंद भवन तो फिर भी मिले लौट के, अब आपकी तालियां बजेंगी। तुम तो फिर भी मिले लौट के, आज मैं किसका करूं इंतजार है, अरे मेरी ममता क्यों लाचार है। महाभारत करवाया,
चुसे तुमने कब का पैर निकाला तुमने अरे मेरा दिया कलेजा भार है और हाथ उठा करके बोलना अरे मेरी ममता क्यों ला चार है। अब लास्ट बंद गीत का सुनेंगे वहां पर गांधारी ने श्राप दे दिया भगवान कन्हैया को के कन्हैया जैसे कुनबा मेरा मरा है जैसे कुनबा मेरा मरा है तू भुगतान करेगा और हे काना अरे आपस में ही लड़ लड़ के तेरा यादव मंस मरेगा कहे मुकेश ब्रह्मा भी मेरा अरे श्राप सके नाटार है और गीत बढ़िया लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां और मेरी ममता क्यों ला